हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। एंड हाँ, आप वहीं पे आए हो। यस यस यस, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस पर आए हो आप, जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो। यस, ये वही ट्यूशन है जहाँ पे आप पढ़ने आते हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आते हो, और ऑनलाइन क्लासेस तो यहीं पे अटेंड करने आते हो। यहाँ पे आप वही क्लासेस आए हो, जाना मत कहीं पे भी, क्योंकि आप वहीं पे आए हो, सही जगह पर आए हो, ठीक है ना? क्योंकि हम क्या है, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। यस 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 गाइस, यस यस यस, सुन रहे हो ना मुझे? देखो, वर्सेस वेर कंपोज्ड इन अर्लियर फॉर्म ऑफ गुजराती लैंग्वेज। ये बेटा फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, तेरा फॉर्म लिखा है, ठीक है? मतलब कि कुल मिला के यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, दैट अर्लियर जूनी गुजराती भाषा में पद्य साहित्य रचातु हतु, ठीक है? मतलब कि कुल मिला के पहले भी वर्सेस लिखे जाते थे इन अर्लियर फॉर्म ऑफ गुजराती लैंग्वेज। अर्लियर, पुरानी गुजराती भाषा। कौन सी गुजराती भाषा? अर्लियर, ई ए आर एल आई ई आर। ये फॉर्म थोड़ा मेरा नजदीक नजदीक हो गया, फॉर्म ऑफ गुजराती, ये है बेटा एल ए एन जी यू ए जी ई, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। वर्सेस कंपोज किए जाते थे पहले की गुजराती भाषा में, कोई डाउट है बेटा? इन द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गुजराती लैंग्वेज अब पुरानी नहीं रही, मॉडर्न होती गई। कैसे होती गई? मॉडर्न होती गई। लेकिन ये वर्ड आपको नहीं लिखना है बेटा एग्जाम में, यहाँ पे ऐसा लिखना है गुजराती लैंग्वेज डेवलप। जैसे अभी भी गाँव में चले जाओ, चुजो तल्या, है ना? ऐसे ऐसे भाषा में बोलते हैं, है ना? आप समझ रहे हो, काठियावाड़ी लैंग्वेज ने ऑल दोज थिंग्स, समझ रहे हो? लेकिन अभी जैसे हूँ, गुजराती बोली रहे हो छू, ऐसे किस कितना सोफिस्टिकेटेड लगता है, वो हमें ऐसा लगता है कि मैं सोफिस्टिकेटेड बोलता हूँ। हम जिस टाइम जोन में रहते हैं, हमें उस टाइम जोन में सब कुछ सोफिस्टिकेटेड ही लगता है, ठीक है? जैसे हमें सब कुछ हमारा परफेक्ट लगता है, हमारा नाक परफेक्ट लगता है, हमें हमारी आँखें परफेक्ट लगती है, ठीक है? जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गुजराती लैंग्वेज अपने आप को डेवलप करती गई, एंड मैनी लिटरली वर्क्स वेर कंपोज्ड इन इट, और काफ़ी सारा साहित्य गुजराती में लिखा गया है ना, बहुत सारा साहित्य, काफ़ी सारा, ठीक है? और ये हम भूल रहे हैं, बिल्कुल भी भूल नहीं रहे हैं, ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं प्राचीन, एंशियंट जमाने की बात कर रहे हैं, पौराणिक जमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? इसमें हमने मीडियवल ले लिया है तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कभी कभी हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा मीडियवल एरा के कुछ लोग आ गए, तो फिर इट्स ओके, जैसे आपकी बुक में लिखा है वैसे ही रखो। द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वॉज मेड, मतलब गुजराती लिटरेचर को, वैसे मैं बता दूँ, ये सब जो नाम है ना, वो मीडियवल एरा के हैं, ठीक है ना? मैं मीडियवल बोलता हूँ, कुछ मीडियवल बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। द हेरिटेज ऑफ लिटरेचर वॉज मेड प्रॉस्परस बाई लिटररी कंट्रीब्यूशन ऑफ नरसिंह मेहता, जो खुद मेडिवल एरा के हैं, ठीक है ना? कोई इश्यू नहीं है। फिर मीराबाई, आप खुद मीराबाई के पद पढ़ते हो, दयाराम, फिर अखो, प्रेमचंद महान, आपने काफ़ी बार देखो, अगर आप अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो और गुजराती एक लैंग्वेज, क्योंकि गुजरात में रहते हो तो आपने गुजराती लैंग्वेज पढ़ी ही है कायदेसर। हाँ, इंग्लिश मीडियम में हो तो सेकेंड लैंग्वेज पढ़ते हो, ठीक है, जो फर्स्ट लैंग्वेज के बराबर नहीं होती है, फिर भी आपने कभी ना कभी नरसिंह मेहता का कुछ ना कुछ पढ़ा ही है, मीराबाई का भी पढ़ा है, शायद दयाराम का भी पढ़ा हो, अखाना छप्पा पढ़े यहाँ से, प्रेमचंद का कोई लिखा हुआ कुछ पढ़ा हो, प्रीतम का कुछ लिखा हुआ पढ़ा हो, ठीक है? तो एंड अदर्स हु कंपोज ब्यूटीफुल वर्सेस, जिन्होंने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी लिखे हैं, गरबे भी लिखे हैं, नैरेटिव पोएम्स भी लिखे हैं, ठीक है ना? एंड छप्पास, और आगे हमें जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है आफ्टर दैट। और ये चैप्टर टफ क्यों लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है यहाँ पे, है ना? जैसे हमने ये वाला पैराग्राफ पार्ट टू में पढ़ा था, ऊपर वाला, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो वो चीज़ों को याद रखना बच्चों के लिए कभी भी आसान नहीं रहता, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी टफ, ठीक है? अगर हमें बात करनी है तो अर्लियर गुजराती लिटरेचर जो था उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी। अर्लियर गुजराती लैंग्वेज की बात बारे में बात कर ले, गुजराती मीडियम में यहाँ पे साहित्य लिखा गया है, साहित्य वर्ड है कि गुजराती भाषा में बहुत पौराणिक पद्यों में साहित्य लिखवामां आव्यो, तो इट्स ओके। वक्त जाते जाते गुजराती लैंग्वेज थोड़ी डेवलप होती गई, विकास पामती गई, और काफ़ी सारा साहित्य लिखा गया, एंड मैनी लिटररी वर्क्स वेर कंपोज्ड इन द सेम इन इट। द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वॉज मेड प्रॉस्परस बाय, अब कोई लिखेगा तभी तो उसको प्रॉस्परस, जैसे आज यूट्यूब पे जो वीडियो बन रहा है, ठीक है ना,
आप समझ रहे हो, यूट्यूब पे जो वीडियो बन रहा है, अब यूट्यूब पे जो सोशल साइंस के वीडियो बन रहा है उनको नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा है सिग्मा सर। कौन लेके जा रहा है? तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा था हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वॉज मेड प्रॉस्परस, तो आप बोल सकते हो दैट हेरिटेज ऑफ यूट्यूब सोशल साइंस स्टैंडर्ड 10 जो गुजरात बोर्ड की बुक है उसको प्रॉस्परस बना रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री 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 निखिल सोलंकी, ठीक है ना। हाँ आप चार पांच बार लगा सकते हो, हाँ ये वही सर है श्री श्री, आप श्री के पीछे आर आई की जगह डबल ई लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखने का नहीं, पहले तो इन सब चीज़ों को मिटा देते हैं हम, फिर तो हमारा नाम लिख देते हैं। यस हम वही टीचर है श्री 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 निखिलानंद महाराज की जय हो, निखिल सर सिग्मा सर, ठीक है। ये इतने सारे श्री, हाँ ये हम वही वही है, हम वही है जिसके साथ आप पढ़ने के लिए आते हो, कोई डाउट है? बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे नाम से ही है, मतलब कुल मिला के हम जो निखिल सोलंकी है तो हमारा एन आता है वैसे ही, जो ये क्यों जा नहीं रहा है बेटा मेरे को ये बता बेटा, वो ये किसी ने लफड़ा करके रखा है, किसी ने कुछ ब्लॉक करके रखा है, कोई टेंशन नहीं है, तू टेंशन मत ले मैं कर दूंगा। अच्छा मुझे पता चल गया क्यों नहीं जा रहा है, मैं बाद में तेरे को बता दूंगा, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आएंगे नरसिंह मेहता, कौन आएंगे? नरसिंह मेहता, वो नेक्स्ट पेज आ गया है ना, इसलिए अब चला जाएगा। उसमें सबसे पहले कौन आएंगे बेटा? नरसिंह मेहता, फिर मीराबाई, फिर दया राम, फिर अखो, ठीक है, फिर प्रेमचंद, फिर प्रीतम। इन लोगों ने बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ठीक है ना, एन एम डी ए डबल पी डेप, आप अपने हिसाब से याद रखना, एंड अदर्स एंड प्लस अदर्स वो कंपोज्ड, इन लोगों ने क्या कंपोज्ड किया था? वर्सेस, सॉन्ग्स, गरबा, नैरेटिव पोएम्स एंड नैरेटिव पोएम्स साथ में रख सकते हो, एंड छप्पास, ठीक है, ये साथ में है, ठीक है। ऐसे इतनी सारी चीज़ें इन लोगों ने कंपोज करी थी। इनके बाद में नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखो, प्रेमचंद, प्रीतम, इन लोगों के बाद में भी स्कॉलर्स आए, गुजराती के स्कॉलर वापस नर्मदा आए, नवलराम भाई साहब आए, किशोरलाल मसरू वाला आ गए, ठीक है ना, किशोरलाल मसरू वाला आ गए, ठीक है, पन्नालाल पटेल आ गए, भाई एक बार तो एटलीस्ट एक बार तो इनका पाठ आपने पढ़ा है। उमाशंकर जोशी, उमाशंकर जोशी आ गए, देखो एकदम जोरदार कामकाज हो गया है। उमाशंकर जोशी का भी एक कम से कम एक लेसन, एक पद्य आपने पढ़ा है। महीपत्रम रूपाराम नीलकंठ आ गया, क्या बात है क्या बात है, बड़े बड़े महान नाम आ रहा है। गोवर्धन राम त्रिपाठी आ गए, पूमा हो सकता था लेकिन जी आ गए, क्या करे। एंड अदर्स एंड रिच गुजराती लैंग्वेजर लिटरेचर थ्रू देयर वर्क्स, ठीक है। सबसे पहले कौन आ गया बेटा? नर्मद जी आ गए, इज्जत से नाम लो बेटा, सलाम करो इनको, गुजरात में पढ़ रहे हो, नवलराम आ गए, ठीक है ना। फिर किशोरलाल मसरूवाला, इनको मत भूलना बेटा, मस्त नाम है किशोरलाल मसरूवाला। पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, पूमा हो ही रहा था, पूमा हो ही रहा था पर जी आ गया, कोई टेंशन नहीं है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, है ना। पन्नालाल पटेल था, उमाशंकर जोशी थे, महीपत्रम रूपाराम नीलकंठ, महीपत्रम रूपाराम नीलकंठ, महीपतराम बोल दो, ये एक्चुअली महीपत्रम जो मैं बोल रहा था इसको महीपतराम बोलो, कभी कभी क्या होता है, महीपत राम पढ़ो इनको, महीपतराम रूपराम नीलकंठ एक ही नाम है, हाँ यस ये एक ही नाम है बेटा, नीलकंठ राम राम शंकर भगवान, महीपतराम रूपराम नीलकंठ, सभी भगवान को इकट्ठा कर दिया है। गोवर्धन राम त्रिपाठी, देखो इन्होंने तो कृष्ण भगवान और राम भगवान दोनों को इकट्ठा कर दिया, त्रिपाठी ब्राह्मण है जी। एंड अदर्स एनरिच गुजराती लिटरेचर थ्रू देयर वर्क, यस आपको क्या याद रखना है बेटा, नरसिंह मेहता ने लिटरेचर के अंदर बहुत अच्छा काम किया, मीराबाई, दयाराम, अखो, प्रेमचंद, प्रीतम, एन एम डैप डी ए डबल पी, यहाँ पे पूमा हो ही रहा था लेकिन जी आ गया, एन एन के, ठीक है, नर्मद है, कौन है? नर्मद है, नवलराम है, किशोरलाल मसरू वाला है, याद रखना यहाँ पे राम जी बहुत बार आ रहा है, ठीक है ना। नर्मद है, नवलराम है, किशोरलाल मसरू वाला है, पन्नालाल पटेल है, पूमा हो ही रहा था, पूमा हो ही रहा था लेकिन जी आ गया, एक ही जगह जी आ गया, ए जी ए जी,
ए जी सुनो जी सुनो जी। कोई डाउट है बेटा? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है। समझ रहे हो आप? मैं आपको पूरे पैराग्राफ को रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे हमारे पास कितनी कितनी लाइन है पहले देख लेना। वर्सेस वेर कंपोज्ड इन अर्लियर फॉर्म, क्या लिखोगे बेटा यहां पे? मतलब पुरानी जो गुजराती लैंग्वेज थी उसका जो पुराना स्वरूप था। सर पुराना बोल दिया फिर क्या बोलते? अर्लियर फॉर्म ऑफ गुजराती लैंग्वेज, अर्लियर फॉर्म ऑफ गुजराती लैंग्वेज। वर्सेस वेर कंपोज्ड, पहले के जमाने में हमारे जो गुजराती लैंग्वेज है उसमें भी वर्सेस कंपोज किए गए थे। अब देखो जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इन द कोर्स ऑफ टाइम गुजराती लैंग्वेज डेवलप होती गई एंड मैनी लिटरेरी वर्क्स वेर कंपोज्ड इन इट। पहले तो पुराने जो अर्लियर वर्सेस वेर कंपोज्ड इन अर्लियर फॉर्म ऑफ गुजराती लैंग्वेज, लेकिन जैसे जैसे इन द कोर्स ऑफ टाइम गुजराती लैंग्वेज डेवलप हुई और काफी सारा मैनी लिटरेरी वर्क्स वेर कंपोज्ड इन द सेम। कोई डाउट है? द हेरिटेज ऑफ गुजराती लैंग्वेज, अगर आप हेरिटेज पढ़ रहे हो लिटरली, यस लिटररी हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, उसमें भी द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वॉज मेड प्रॉस्परस बाय लिटररी। आप समझ रहे हो? द हेरिटेज ऑफ गुजराती लैंग्वेज या तो लिटरेचर वॉज मेड प्रॉस्परस बाय लिटररी कंट्रीब्यूशन। कौन सा कंट्रीब्यूशन? लिटररी कंट्रीब्यूशन ऑफ नरसिंह मेहता मीरा बाई एन एम था। ये क्या था बेटा? एन एम था, एबीसीडी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू एम एन, ऊपर नीचे आता है ना। नरसिंह मेहता मीरा बाई दयाराम अखो प्रेम चंद और प्रीतम एन एम डेप। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। आप समझ रहे हो चीजों को? समझ रहे हो? वो नहीं समझ रहे हो? वो कंपोज्ड ब्यूटीफुल वर्सेस, इन लोगों ने क्या क्या लिखा था बेटा? ये एन एम डी डबल ए पी, इन लोगों ने क्या लिखा था बेटा? वर्सेस, ब्यूटीफुल वर्सेस, सॉन्ग्स, गरबा, नैरेटिव पोएम्स और छप्पा। यस, नैरेटिव पोएम्स और छप्पा। निखिल चुनीलाल, ओके ओके, कोई टेंशन नहीं है। वी एस जी एन सी, कोई टेंशन नहीं है। वर्सेस लिखा था, सॉन्ग्स लिखा था, गरबा लिखा था, नैरेटिव पोएम्स लिखा था और छप्पा लिखा था। आफ्टर दैट स्कॉलर्स आ गए मार्केट में। आफ्टर दैट द स्कॉलर्स लाइक, कौन आया था बेटा? एन एन के, उसके बाद में पूमा हो ही रहा था। क्या हो रहा था? पूमा, लेकिन जी आ गया, ए जी सुनो जी। कोई डाउट है बेटा? नर्मदा आ गया बेटा, कौन आ गया? स्कॉलर्स लाइक नवलराम आ गया, किशोरलाल मसरूवाला आ गया, पन्नालाल पटेल है, उमाशंकर जोशी है बेटा, महीपत राम रूपराम नीलकंठ है सर, गोवर्धन राम त्रिपाठी जी है, त्रिपाठी जी का लड़का। मिर्जापुर तो देखी ही होगी आपने, मिर्जापुर बेटा, मिर्जापुर वेब सीरीज है देख लेना, त्रिपाठी जी, ब्राह्मण जी। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। कर लेगा बेटा तू ये पैराग्राफ? तू कर लेगा ना? समझ गया ना तू अच्छे से? वर्सेस वेर कंपोज्ड इन अर्लियर फॉर्म ऑफ गुजराती लैंग्वेज, यहां पे ही लैंग्वेज रखना। उसके बाद में दूसरे पैराग्राफ में दूसरी लाइन में लिखना कि गुजराती लैंग्वेज डेवलप हुई इन कोर्स ऑफ टाइम, गुजराती लैंग्वेज डेवलप एंड मेनी लिटररी वर्क्स वेर कंपोज्ड इन इट। काफी सारा साहित्य इसके अंदर लिखा गया है, काफी सारा। द हेरिटेज ऑफ गुजरात, द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वॉज मेड प्रॉस्परस बाय लिटररी कंट्रीब्यूशन। कौन सा वाला? लिटररी कंट्रीब्यूशन ऑफ कौन कौन बेटा? नरसिंह मेहता मीरा बाई डी ए डबल पी दया राम अखो प्रेमचंद प्रीतम। कोई डाउट नहीं है। एंड अदर्स वो कंपोज्ड ब्यूटीफुल वर्सेस सॉन्ग्स गरबा निखिल चुनीलाल। ठीक है बेटा, वर्सेस सॉन्ग्स गरबा बराबर छे नैरेटिव पोएम्स और छप्पास। आफ्टर दैट द स्कॉलर्स लाइक नर्मद नवलराम किशोरीलाल मसरूवाला पूमा
पूमा नहीं बेटा, पू यू एम जे। पन्नालाल पटेल, उमा शंकर जोशी, महीपत राम, रूपराम नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी एंड अदर्स एंट्रीज द गुजराती लिटरेचर थ्रू देयर वर्क्स। हाँ हाँ, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें, हमारी मजबूरी है बेटा, तू समझ रहा है ना, क्योंकि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी को बताना मत कि हम आगे बढ़ रहे बेटा, तू शांति से वीडियो देख, ना आए देख ना ताव देख, ना आए देखा ना बाए देखा, ना ताव देखा ना नीचे देखा, तू बस मेरा वीडियो देख बेटा, और तू फिर 80 में से 80 मार्क्स लाएगा एसएस में। तुझे पता है लाइव में भी मेरे बहुत सारे वीडियो है, ऐसे प्लेलिस्ट में तो है ही है, लेकिन लाइव में 12 नंबर का चैप्टर का वीडियो है, 18 नंबर के चैप्टर का वीडियो है, देखता रहे, तगड़े चैप्टर के वीडियो है बेटा, बहुत मेहनत किया है मैंने लाइफ में। द फोर द्रविडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, ये मतलब साउथ की लैंग्वेज है, समझ रहे हो, साउथ की, जिसको तमिल बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द फोर द्रविडियन लैंग्वेजेस, फोर द्रविडियन लैंग्वेजेस, द्रविडियन समझते ना तू बेटा, द्रविडियन लैंग्वेजेस मतलब साउथ में होती, किधर होती बेटा, साउथ में, तू पिक्चर देखती ना साउथ के, है ना, अल्लू अल्लू अर्जुन, तेरी झलक सरफी श्रीवल्ली, मस्त मस्त सॉन्ग बेटा, सॉन्ग देखो बेटा, आई एम अ ग्रेट सिंगर सॉन्ग, आई सिंग सॉन्ग सॉन्ग, आई सिंग सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग, सिंग आय आय, है ना, यस, ओके ओके। द फोर द्रविडियन लैंग्वेजेस, द फोर द्रविडियन लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम डेवलप देयर ओन स्क्रिप्ट्स एंड लिटरेचर, खुद अपना स्क्रिप्ट डेवलप किया और लिटरेचर भी क्रिएट किया, डेवलप किया। तमिल इज द ओल्डेस्ट ऑफ दिस, है ना, मैं पहले भी बोला था, तमिल लैंग्वेज जो होती, तमिल लैंग्वेज, तू समझती ना बेटा, तमिल लैंग्वेज जो होती वो सबसे पुरानी लैंग्वेज होती है ना, विथ इट्स लिटरेचर बिलोंगिंग टू अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा की बात करते हैं, अर्ली सेंचुरीज, देखो जिसको हम क्रिश्चियन एरा बोलते हैं उसको हम कॉमन एरा भी बोलते हैं, सी बोलते हैं ना बेटा, सी बोलते हैं, तुम समझते हो, या तो क्रिश्चियन एरा बोल दो, कॉमन एरा बोल दो, कोई डाउट है क्या? नहीं बेटा। द फोर द्रविडियन लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम डेवलप देयर ओन स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर, साहित्य। तमिल इज द ओल्डेस्ट ऑफ दिस, इन जो चारों लैंग्वेज होती उनमें से सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन होती? तमिल होती। क्या होती? तमिल। ओके, तमिल इज द ओल्डेस्ट ऑफ दिस विथ इट्स लिटरेचर बिलोंगिंग टू अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा। इसका लिटरेचर जो होती ना वो क्रिश्चियन एरा की अर्लीएस्ट सेंचुरी, आप समझते, अर्लीएस्ट सेंचुरी मतलब 100 सी 200 सी, मेरे इधर पे सी गायब हो गया, ठीक है, वो होता है कभी कभी, 300 सी 300 सी ई, इसको बोलते अर्लीस्ट सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा। कोई डाउट है? नहीं होती ना, डाउट नहीं होती, ठीक है। अभी मैं, ये मेरा थोड़ा है ना साउथ इंडिया का एक पैराग्राफ हो गया, तो अभी मैं निखिल सर को दूंगा पेन, निखिल सर पढ़ाएंगे। अभी तक मैं साउथ इंडिया से ये दो लाइन पढ़ाने के लिए मैं अन्ना आया था, तो ये अन्ना अभी जाता, बाय 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 अन्ना, ओके फाइन। अभी मैं वापस निखिल सोलंकी आ चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, थ्री लिटरेरी गैदरिंग्स एंड संगम्स वेर हेल्ड एट विच मैनी सेजेस एंड पोएट्स रिसिटेड देयर कंपोजिशन। यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं ये लोग, है ना, आपको जैसे पता है हमारे बॉलीवुड में ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं, गेट टुगेदर होता है, समझ रहे हो, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड होता है, ठीक है, आप समझते ही हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। परंपरा के अनुसार फिल्म फेयर अवार्ड, मेरे को नहीं पता स्पेलिंग सही है, क्योंकि मैं पिक्चर विक्चर दिखता नहीं हूँ। आई हेट मूवीज पुष्पा, आई हेट मूवीज पुष्पा, ठीक है, पिक्चर से मुझे सख्त नफरत है, ठीक है, किसी को बताना मत, है ना, डोंट आस्क एनीवन, ठीक है, पर्सनल है, थोड़ा पर्सनल है बेटा, पर्सनल है, कोई डाउट नहीं है। देखो क्या होता था,
जैसे फिल्म फेयर में लोग मिलते हैं, बराबर है, वैसे ही परंपरा के अनुसार, जैसे फिल्म फेयर में मिलना परंपरा होता है, वैसे ही परंपरा के अनुसार तीन बार ये साहित्य के लिए लोग मिले थे, गैदरिंग, लिटरेरी गैदरिंग्स हुई थी, जहां पे मेरे जैसे इंटेलिजेंट लोग मिलने जाते थे जो साहित्य लिखते थे। क्या लिखते थे बेटा? साहित्य। अब वहां पे जाके इतने सारे जिसको बोलते गैदरिंग्स बोलते संगम्स बोलते हैं, जहां पे सब मिलेंगे, साधु संत मिलेंगे तो अच्छी अच्छी बातें होंगी, ठीक है ना, कोई महान बातें निकल के आएगी। संगम्स वेर हेल्ड एट विच काफी सारे साधु सेजिस एंड पोएट्स रेसिटेटेड द कंपोजिशन। वहां पे जाके उन्होंने अपने के नई नई जो चीजें बनाई उसको रिसाइट करने का शुरू किया, रिसीट करने का शुरू किया, मतलब समझते हो ना, ओम भूर्भुवस्वः ऐसे उधर पे जाके रेसिट करना, उन्होंने नया बनाया था वो। दे कंटेन्ड मैनी थीम्स लाइक पॉलिटिक्स, वो काफी सारे थीम्स के ऊपर बोल रहे थे वहां पे, जैसे पॉलिटिक्स के ऊपर बोलना, वॉर के ऊपर बोलना, प्रेम के ऊपर बोलना। देखो पूरे दुनिया में मतलब बहुत सारा साहित्य प्यार के ऊपर लिखा गया है, बहुत सारा साहित्य रिलीजियस के ऊपर लिखा गया है, आप समझ रहे हो चीज़ों को, और उतना ही साहित्य राजनीति के ऊपर भी लिखा है, युद्ध शास्त्र भी लिखा गया है। तो ये लोग जब मिलते थे गैदरिंग, लिटरली गैदरिंग करते थे, मिलते थे, तब उन्होंने काफ़ी सारे साधु और पोएट्स ने उन्होंने अपना कंपोजिशन सुनाया, और ये जो कंपोजिशन सुनाया दे कंटेंट मेनी थीम्स लाइक, कौन सी थीम्स होती थी? पॉलिटिक्स, जैसे आप पता है कोई कॉमेडी शो देखते हो, तो वो कॉमेडी शो में जो कॉमेडियंस होते हैं वो अलग अलग थीम पे बोलते हैं, कोई राजनीति पे बोलता है, कोई किसी भी प्यार के ऊपर बोलता है, तो वो थीम होती है, कोई डाउट है? नहीं है। द फेमस वर्क्स ऑफ दिस बॉडी ऑफ लिटरेचर इंक्लूड्स एथू तो कोई, क्या बोलते हैं उसको, एथू तो कोई, उसका मतलब क्या होता है कुल मिला के, है ना, मैं आपको बता दूं, एथू थो कोई, इसको मैं गुजराती में एक बार लिख के आपको बता देता हूँ, है ना, किसी को बताना मत बेटा, यह सही में किसी को मत बताना, इसको एथू थो कोई बोला है, लेकिन आपके हिसाब से ये देखो, आपके हिसाब से ये एथू तो कई है, ठीक है, कई क क है, लेकिन गुजराती मीडियम के बुक के हिसाब से इट्स ए टू थो कई, थो क ई, आप समझ रहे हो, ये इट इज अ गुजराती मीडियम बुक के हिसाब से, गुजराती मीडियम बुक के हिसाब से ये है एतु थो कई। नाउ ये जो है इट इज अ कंपोजिशन, आठ काव्यों एक कंपोजिशन छे, संकलन छे, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ, इसके अंदर एतु थोकई के अंदर 8 पोएम्स लिखी गई है। पोएम्स तो समझते हो ना, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, यासार वन बैक फूल, आप समझ रहे हो, तो ऐसी इसके अंदर 8 पोएम्स होगी एतु थोकई के अंदर, कैसा बेटा, एतु थोकई, इट्स ओके। फिर है और एक है तोल का पीएम, यस कापियम, वो पतंग कापते हैं ना, पतंग बेटा, बट ये अलग है बेटा, ये अलग है, तोल कापियम, ए कापी अच्छे कापियम, तोल का पीएम, तोल का पीएम, ठीक है, ये इसको कुछ ग्रामर से कुछ लेन देना है, व्याकरण ग्रंथ है ये, क्या है बेटा, ग्रामर का बुक है, गुजराती में आप इसको व्याकरण ग्रंथ ब्रैकेट में लिखा है बेटा, ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। और एक है जिसके अंदर 10 गीते हैं, 10 सॉन्ग्स है, पत्थु पातु, कैसा बेटा, पत्थु पातु, 10 सॉन्ग्स बेटा, ठीक है। नाउ थिरुवल्लर एक कवि है, थिरुवल्लुवर रे श्रीवल्ली ये लोग ऐसे ऐसे कैसे करते, थिरुवल्लुवर व्रॉट द फेमस कुर्रल विच इज, कुरल बोलते बेटा इसको, क्या बोलते, कुरल, विच इन वर्स डील्स विथ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड, ये जो है
ये काफी सारे लाइफ के काफी सारे जो पास है और धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। फिर सिलपत्तिकारम, सिलपत्तिकारम क्या है बेटा ये, सिलपत्तिकारम, यहां पे सिलपड्डी लिखा है बट इट्स ओके, यू वी कैन डू समथिंग लाइक सिलपत्ति पत्ती पत्ती क्या लिखते हैं, कारम सिल डबल प है ये प, मतलब ये एक प, ये पत्तिकारम। एंड और एक है मणि मेखलाय, मणि मेखलाय यार क्या ही लिखा है इन लोगों ने, मणि मेखलाय, मणि मेखलाय प्रारंभिक तमिल साहित्य ना संगोच आर सम ऑफ द फेमस वर्क और अर्ली तमिल, ये जो तमिल लिटरेचर है वो स्टार्टिंग के, मतलब यहाँ पे वर्ड्स आपको भारी भारी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एवरी वर्ड इज रिलेटेड टू साउथ इंडियन है ना, और हमें साउथ इंडियन वर्ड्स का मतलब ज़्यादा तक पता नहीं होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन थ्री लिटरली ग्रेडिट गैदरिंग्स एंड संगम्स वेर हेल्ड एट विच काफ़ी सारे साधु और पोएट्स रेसिडेड द कंपोजिशंस, उनके कंपोजिशन उन्होंने रिसाइट किया था, ठीक है। दे कंटेंट मैनी थीम्स, और ये जब मिले थे और यहाँ पे जो काफ़ी साधु और पोएट्स ने जो अपने कंपोजिशन बोले थे वो उनके अंदर काफ़ी सारी थीम्स की, पॉलिटिक्स थी, वॉर थी और लव थी, काफ़ी सारी थीम थी, ठीक है। द फेमस वर्क्स ऑफ दिस बॉडी ऑफ लिटरेचर इंक्लूड्स एतु थोकई, क्या बोलते बेटा इसको, एतु थोकई, एतु थोकई, ये मेरे को स्पेलिंग में थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है क्योंकि गुजराती मीडियम में लिखा है एतु थोकई, जो एतु थोकई है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी 8 पोएम्स का समूह है। हालांकि आप याद करना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई डाउट है बेटा, एतु थोकई जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स 9 है लेकिन उसके अंदर 8 पोएम है, क्या है बेटा 8 पोएम। फिर ये ग्रामर का बुक है, टोलकप्पियम, क्या है बेटा टोलकप्पियम, तो ल का और वापस डबल पी य म, टोलकप्पियम, ये देखो अपने नाम के हिसाब से टोल का वो ग्रामर ग्रामेटिकल मतलब ये ऐसे रखना, हाँ बेटा पी पी ऐसे ऐसे रखना, रस्वाई दीर्घ ऊपर नीचे हो जाती है बेटा, टोलकप्पियम। एंड आखिरी में पत्थुपातु, कैसा बेटा पत्थु वो डबल पी है याद रखो बेटा, बहुत खतरनाक है, पथु 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 पा तू बेटा, कैसा बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 10 सॉन्ग है, बराबर है। आगे यहाँ पे 9 कैरेक्टर्स 8 पोएम, ठीक है, 12 कैरेक्टर 10 सॉन्ग्स, ठीक है, याद रख लेना बेटा अपने हिसाब से, तू कैसे भी करके सेट कर लेना। इसके स्पेलिंग में बेटा, इसके स्पेलिंग में 9 कैरेक्टर है 8 पोएम है, यहाँ पे स्पेलिंग में 12 कैरेक्टर है 10 पोएम है, सर को आता है ना, देख लेना बेटा है, तू देख लेना बेटा, पथु पथु पातु 10 सॉन्ग्स, पथु पातु 10 सॉन्ग्स। उसके बाद में तिरुवल्लुवर है एक, ये एक राइटर है, ये क्या है, एक राइटर है वल्लुवर, ऐसे मतलब कैसे भी सेट कर लेने का बेटा, ऐसे कैसे कैसे भी है ना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, तू समझ रहे बेटा। देखो थिरुवल्लुवर रॉट फेमस कुरल विच इन वर्स डील विथ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो खुद जीवन के काफी सारे पासों के बारे में और धर्म के बारे में बात करता है। उसके बाद में ये जो दो और नाम है, बराबर है, सिलपत्तिकारम, कौन सा बेटा सिलपत्तिकारम, यहाँ पे लिखने में वैसे तो आपको इंग्लिश में लिखना है लेकिन हमें आपको गुजराती वो प्रोनाउंसिएशन, सिलपत्तिकारम एंड मणि मेखलाई, एंड ये इंग्लिश में लिखा है मणि, किधर गया रे, ये रहा मेखलाई,
आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ अर्ली तमिल लिटरेचर। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग से नाम आ गए, ठीक है ना। सबसे पहला मुझे बताओ कौन सा आया, एतु थोकोई। सबसे पहला नाम कौन सा आया बेटा, एतु थोकोई। एंड वॉट इट डील्स विथ यू बेटा, वो आपके लिए क्या करता है, एतु थोकोई आपके लिए क्या काम करता है बेटा, एतु थोकोई का काम क्या है बेटा, भूल गए आप, भूल गए, मैं याद दिला दूँ बेटा, मैं याद दिला देता हूँ तेरे को, रुक जा तू एक मिनट, मुझे थोड़ा सब सेट कर लेने दे। सबसे पहले है ना एतु थोकोई, समझ रहे हो आप क्या आएगा, ए तू, मैंने अपने हिसाब से स्पेलिंग चेंज कर दिया है, जिसके अंदर 9 वर्ड्स है लेकिन 8 पोएम्स है। उसके बाद में एक ग्रामर का बुक है टोलकापियम, टोलकापियम, ठीक है, टोलकापियम, कापियोचे, ठीक है ना, उत्तरायण के दिन ग्रामर का बुक पढ़ लेना बेटा, टोलकापियम, कापियोचे। कब पढ़ना है बेटा तेरे को, 14 जनवरी उत्तरायण के दिन क्या पढ़ना है बेटा, टोलकापियम, कोई डाउट है बेटा। उसके बाद में हमने पढ़ा ना पथु, आथु नहीं ला, नॉनसेंस, ये बच्चे भी है ना, आथु नहीं, पथु पाथु, हाथू नहीं, पथु पाथु। 10 सॉन्ग्स, कितने सॉन्ग्स बेटा, पथु पाथु 12 कैरेक्टर्स, 10 सॉन्ग्स, तू याद रख लेना बेटा। उसके बाद में थिरुवल्लुवर, उन्होंने क्या लिखा था, कुरल। थिरुवल्लुवर ने क्या लिखा था बेटा, कुरल लिखा था, विच इन वर्स डील्स विथ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड रिलीजन। उसके बाद में सिलपड़िक्रम, सिलपड़ी करम मतलब सिलपट्टी कारम बोलते भी उसको, ये वो गुजराती मीडियम के प्रोनाउंसिएशन। और मणि मेखलाई आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ द अर्ली तमिल लिटरेचर। यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक बातें यहाँ पे हो रही है, बराबर है, हमें समझने की ज़रूरत है। हम ये वर्ड्स हमें इसको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, हम 32 मिनट में, उसमें हमने पार्ट 1 पढ़ाया, पार्ट 2 पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, समझ रहे हो, गुजराती लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। वर्सेस में रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो, कोई डाउट नहीं है। वर्सेस वेर कंपोज्ड इन अर्लियर फॉर्म ऑफ गुजराती लैंग्वेज इन द कोर्स ऑफ टाइम, वक्त जाते जाते गुजराती लैंग्वेज डेवलप्ड एंड मैनी लिटरेरी वर्क्स वेर कंपोज्ड इन द सेम। द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वॉज किसके द्वारा प्रॉस्परस किया गया, बाई लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ नरसिंह मेहता, मीराबाई, DAPP, समझ रहे हो, दयाराम अखो, प्रेमचंद प्रीतम एंड अदर्स, वो कंपोज ब्यूटीफुल वर्सेस, सॉन्ग्स, गरबा, नेरेटिव पोएम्स एंड छप्पास। उनके बाद में स्कॉलर्स आए, स्कॉलर्स कौन आया था बेटा, NNK, फिर क्या था बेटा, पूमा, PUMG, ठीक है। सबसे पहले नर्मद, नवलराम, किशोरलाल मसरूवाला, पन्नालाल पटेल, उमा शंकर जोशी, महीपत राम, रूपराम, नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी एंड अदर्स एंट्रीज गुजराती लिटरेचर। उसके बाद में 4 द्रविडियंस वाला लैंग्वेजेस वाला है, द 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम डेवलप देयर ओवन स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर। तमिल इज द ओल्डेस्ट ऑफ दिस विथ इट्स लिटरेचर बिलोंगिंग टू अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के हिसाब से, ठीक है ना, ये पूरा एक ही पैराग्राफ है, इसको ऐसा ही समझो, है ना, इसको अलग अलग पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है, इधर पे डॉट करके, ठीक है, वो डाइजेस्ट में देख लेना थोड़ा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, 3 लिटरेरी गैदरिंग्स एंड संगम्स वेर हेल्ड एट विच मैनी सेजेस एंड पोएट्स रेसिडेट देयर कंपोजिशंस। अब ये जो कंपोजिशन उन्होंने रिसाइड किया, दे कंटेंड मैनी थीम्स लाइक पॉलिटिक्स, वॉर एंड लव। यहाँ पे आपको 5 खतरनाक नाम याद रखने हैं। द फेमस वर्क्स ऑफ दोस बॉडी ऑफ लिटरेचर इंक्लूड्स एतु थोकोई, बराबर छे, एतु थोकई, ठीक है, जो जिसके अंदर 10 कैरेक्टर है, 8 पोएम का कंपोजिशन है, टोलकापियम, उत्तरायण के दिन पतंग काटने जाता है बेटा, टोलकापियम, ग्रामर पढ़ लेना उस दिन, फिर
उसके बाद में पत्थु पातु, पत्थु पातु 10 सॉन्ग का एक ग्रंथ है बेटा, ऐसा समझ लो। उसके बाद में तीरु वल्लुवर है, तीरु वल्लुवर रॉट ने कुरल लिखा था। क्या लिखा था बेटा? कुरल, कुरल ने रचना करी, विच इन वर्स डील्स विथ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड रिलीजन। उसके बाद में सिलपत्तिकारम, सिलपत्तिकारम हमारा पड़ीकारम है, और मणिमेखलाई आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस। यहाँ पे साइड पे अपने प्रोनाउंसिएशन लिख देना बेटा। यस दिस इज द सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस जिसके ऊपर तू पढ़ने आया था। और